हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं गई थी नैनीताल रिसेंटली। तो जब मैं वहां गई, तो वहां पे मैंने थोड़ी सी ख़रीदारी की, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं नैनीताल बहुत बार जा चुकी हूँ। सो मेरा मन तो नहीं था, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं चलो चलो चलते हैं, पास में पड़ता है, दो दिन का समय भी था हम लोगों के पास, तो ये हुआ कि चलो चलते हैं, क्योंकि हमारे घर से नैनीताल हमें पास पड़ जाता है। मतलब अगर कहीं हिल स्टेशन जाना हो तो सबसे पास में नैनीताल ही पड़ता है। तो कुछ शॉपिंग की, चूँकि जैसे कि आप जानते हैं दिवाली नज़दीक आ रही है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा चलो कुछ घर के लिए ख़रीद लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ख़रीदा एक ये वास्तु के लिए। ये वैसे मेरे घर में एक लगा हुआ है, लेकिन चूँकि मेरे घर में दो जगह से एंट्रेंस है, तो एक और जगह है, मुझे वहाँ के लिए एक चाहिए था, तो मैंने फिर ये लिया और ये मुझे वहाँ बहुत सही मिल गया। वहाँ पे भूटानी कुछ शॉप है, तो वहाँ पे ये सब आइटम बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सो ये मुझे कुछ इस टाइप का ही चाहिए था, ऑनलाइन बहुत महंगा पड़ रहा था, तो ये मैंने वहाँ से लिया और ये मुझे पड़ा है 500 या 600 अराउंड। तो ये मेटल पर है और यहाँ पर इनमें टांगने वाला हुक बना हुआ है। तो एक तो मैंने ये ख़रीदा। इसमें एक फ़ायदा क्या है, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का ग्रह दोष चल रहा है तो वो भी दूर हो जाता है, और घर में अगर वास्तु दोष चल रहा है तो वो भी ठीक होता है। तो इसलिए मैंने इसे लिया है, और इसे मैं अपने घर के एंट्रेंस पर जो है वो प्लेस करूँगी। और उसके बाद मैंने लिया एक बहुत ही क्यूट सा शेफ। ये ना ऑनलाइन बड़ा महंगा मिल रहा था, वहाँ मुझे काफ़ी रिजनेबल मिल गया। ये मुझे 120 का मिला है। सो ये टूथपिक होल्डर है बेसिकली, तो मैंने लिया उसी के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए। तो ये इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और ये ऑनलाइन ना मैंने देखा था शायद 400-500 ऐसे के ही मिल रहे थे, सो ये मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया। तो एक मैंने ये सेफ ख़रीदा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, बहुत क्यूट लग रहा है ये। और उसके बाद मैंने जो भूटानी शॉप थी वहीं से एक ये पेंडेंट ख़रीदा है, ये देखें आप, बहुत सुंदर है ये। और ये एक तरीके का पेंडेंट क्या, ताबीज़ टाइप का है। तो जैसे कभी आपको कुछ चीज़ पहननी हो ताबीज़ में, तो इसमें इस तरीके से ढक्कन जो है वो ओपन हो जाता है, और फिर ये ढक्कन ऐसे जो है वो बंद हो जाता है। तो आपको अगर कुछ दिन के लिए कोई ताबीज़ अभी कुछ पहनना है, तो जैसे बहुत से पत्थर होते हैं जो गुप्त रूप से पहने जाते हैं, अगर वो पहनना है तो आप पहन सकते हैं, तो इस तरीके से बढ़िया से बंद भी हो जाता है। तो एक मैंने ये लिया, और ये मुझे पड़ा था शायद 250 का या 350 का, ऐसे ही आया, मुझे याद नहीं ठीक से। तो इतने का ये मैंने लिया हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ वुडन स्पैचुला लिए, ये मुझे बहुत लंबे टाइम से लेने थे, तो वो मैंने लिए, और वो मैं आपको दिखाती क्या क्या लिए मैंने, क्योंकि मुझे कुछ सर्विंग के लिए भी वुड में चाहिए था, क्योंकि मेरा जो डिनर सेट है वो सेरेमिक है, तो उसमें स्टील नहीं इस्तेमाल हो पाता। सो मैंने उसी के लिए दो अलग अलग सर्विंग सेट खरीदे, कुछ छोटे में लिए हैं और कुछ लिए हैं मैंने बड़े में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक तो मैंने ये स्पून लिया है, ठीक है, चमचा बोलते हैं इसे हमारे यहाँ, तो मैंने एक ये चमचा लिया उसी के लिए, बट ये चमचा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक मैंने ये भी ली है राइस वगैरह निकालने के लिए, अगर ज़रूरत लगेगी, वैसे ये राइस के लिए लगेगी नहीं, मैंने फिर भी ले ली। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारे 30-30 के थे, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे, ऑनलाइन तो बहुत महंगे पड़ रहे थे, तो मैंने ये लिए। एक मैंने ये भी लिया है और ये सारे 30-30 के मुझे वहाँ पर जो है वो मिल गए। और ये देखें, ये मैंने लिया एक, और एक मैंने ये लिया, तो ये दो सेम हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये दोनों लिए। और उसके बाद बल्कि ये मैंने ना राउंड वाले शायद तीन लिए, नहीं राउंड वाले मैंने दो लिए हैं, और ये दूसरा है, ये थोड़ा सा लंबा है उससे। तो इस प्रकार से ये मैंने दो सेट लिए थे एक साथ, सूखी सब्ज़ी वगैरह निकालने के काम आ जाता है ये। और एक ये राइस के लिए मैंने लिया, और ये मैंने राइस के लिए ख़रीदा है, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैंने एक ये पलटा लिया अलग से, सो ये मेरे जो कास्ट आयरन के बर्तन हैं, और होप कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, उसमें मैं कोई भी स्टील का या मेटल का वो चम्मच लगाती हूँ तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, कड़ाकड़, तो वो आवाज़ बड़ा प्रॉब्लम मुझे करती है। तो फिर मैंने जो है वो ये वाला एक लिया, जो ये मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन आप जानते हैं वुड के बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, तो इस वजह से लिया। एक मैंने बहुत कमाल की चीज़ ली, और ये मैं ऑनलाइन देख रही थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये, 1400-1500 रुपए की थी, बट वहाँ मुझे बहुत रिजनेबल मिल गई। तो ये तो है एक इस तरीके का स्टैंड, ठीक है, और इसमें ही लग जाती है ये, और ये पेपर और सॉल्ट के लिए है, आप देखें
इस तरीके से, इस पर एस लिखा है, इस पर पी लिखा हुआ है, ये पेपर सॉल्ट वाला है और ये मुझे ओनली 350 में मिल गया। मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मैं देखिए ये मैंने ऑनलाइन दिखाया उनको, अमेज़ॉन पर मैंने ऐसा सेम देखा था, मैं लेना भी चाह रही थी बट काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। और फिर वहाँ मैंने लिया तो वहाँ देखिए मुझे 350 में मिल गया था। मतलब ऑनलाइन कभी कभी कुछ सामान के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग पहले अच्छे से चेक कर लिया करिए और लोकल मार्केट में फिर लिया करिए। और एक मैंने और सेट ख़रीदा, ये कंप्लीट सेट मुझे मिला था 150 में। इसमें छोटे छोटे हैं, जैसे इस तरीके का एक स्पैचुला है, ठीक है, एक इस तरीके का ये है, तो कंप्लीट पैकेट आया था ये उसमें था। एक इस तरीके का है, एक इस तरीके का राइस वगैरह सूखी सब्जी वगैरह निकालने के लिए। तो कभी ऐसा हो गया, मान लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं, दो तीन लोग डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदे में आ जाता है, छोटा छोटा सा और हो जाता है इससे। तो एक इस तरीके का मैंने ख़रीदा है और इसमें इस तरीके से जो है दिया गया है, ये भी एक इसमें है। तो ये कंप्लीट जो है वो मुझे सेट पड़ा हुआ है, इसे खुल, तो ये कंप्लीट सेट मैंने 150 में लिया था। तो ये छोटा छोटा था तो ये भी मैंने ले लिया था। और उसके बाद मैंने, मुझे एक मेरे किचन में एक वुड कॉर्नर मैंने लगाया हुआ है, उसके लिए मुझे एक वाइन ग्लास चाहिए था, तो मैंने ये ग्लास भी लिया और ये शायद मुझे 250 या 200 के ईच मिला है और ये काफ़ी सस्ता मिल गया मुझे। मतलब मैं आपको बता रही कि मैंने ये सारे सामान ऑनलाइन देखे हुए थे, ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में थे, तो मैंने ऑनलाइन कभी इनको लेने की हिम्मत नहीं की, मैंने ऑफलाइन ही लिए हैं। फिर तो एक ये लिया है हमने टमाटर, और ये टमाटर में है फॉग स्टिक, तो कभी सैलड वगैरह या फ्रूट वगैरह हम खाते हैं तो उसमें इस तरीके से बेसिकली हमें 6 फॉग स्टिक मिल जाती हैं इस तरीके से, और ये बहुत सही है। सो ये मैंने डाइनिंग टेबल के लिए लिया। सो ज़्यादातर ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने अपने किचन के लिए ही ली हैं, क्योंकि दिवाली का समय आ रहा है, किचन से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है इस समय। सो किचन डेकोर एंड किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें मैंने ली। अच्छा, किचन के लिए डेकोरेशन में मैंने ये दो बड़े बड़े चमचे खरीदे हैं और ये बहुत सुंदर हैं, 500 में दोनों मुझे मिल गए, काफ़ी बड़े हैं ये। सो इन्हें तो मैंने खैर बेसिकली अपनी किचन के डेकोरेशन के लिए लिया है, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े हैं ये, इसमें पीतल का कुछ काम भी है। तो ये मैंने बेसिकली अपनी किचन के डेकोरेशन के लिए ही लिया है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ दिवाली की डेकोरेशन है तो उसमें इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और एक लिया है मैंने वुड का ट्रे का सेट, तो मेरे पास काफ़ी सारी ट्रे थी बट मुझे कुछ छोटे साइज में भी चाहिए थी, तो इस तरीके से मैंने ये ली। और इसमें ऐसे ऐसे जो है एलिफेंट, पेड़ और दो पक्षी बने हुए हैं, सो काफ़ी नेचुरल सा लग रहा था ये। सो ये मैंने एक ट्रे ली और ये 3 का सेट आया है, इसमें 3 सेट में जो हैं वो आई हैं। सो एक ये है और एक और है, मैं आपको तीनों दिखाती। सो छोटी छोटी ट्रे की भी बहुत ज़रूरत लगती है किचन में, तो इस तरीके से ये सेट मुझे 600 या 700 ईच पड़ गया था, सेट पड़ गया था पूरा, मतलब 3 का। और उसके बाद हम लोग गए थे कैची धाम, नैनीताल जाएँ और कैची धाम ना जाएँ ये कैसे संभव है, तो कैची धाम में गई थी तो वहाँ से मैंने एक ये बुक ख़रीदी है पढ़ने के लिए थोड़ा सा, तो ये ली। और एक ये प्रार्थना प्रति है, ये मुझे किसी को देना है, उन्होंने मंगाई थी मुझसे ऊपर वाली, तो ये मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। तो कैची धाम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और मैं बहुत मानती हूँ, तो मैं गई थी कैची धाम और 2 मैंने लिए अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कोट, और इतनी ठंड लग रही थी मुझे मैंने वही कोट पहन लिया एक तो। और अपने लिए मैंने ली है चूड़ियाँ, कहीं जाऊँ चूड़ी ना लूँ ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो ये मैंने लाख की चूड़ी ली और ये मुझे वहाँ महंगी पड़ी, 250 रुपये का पेयर पड़ा है मुझे ये, तो ये मैंने लाख की चूड़ी ख़रीदी है। सो दोस्तों आशा करती हूँ ये शॉपिंग ऑल पसंद आया होगा आपको, काफ़ी थोड़ी सी शॉपिंग की मैंने वहाँ से। इनफैक्ट चूँकि मुझे यहाँ लोकल में भी बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं अभी, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया दिवाली नज़दीक है, तो मुझे वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो मैंने फिर वहाँ से उतना ही लिया जितना मुझे घर के लिए ज़रूरी था। और मैं नैनीताल, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिकली कि मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, इनफैक्ट ये मेरा 5वां 6वां टूर था, और होटल वाला कह रहा है सर जी आप फिर से आ गए तो होटल वाला भी पहचानने लगा है। तो दोस्तों आप में से कौन कौन लोग नैनीताल में रहता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये तो सारी शॉपिंग है हमारी जो हमने वहाँ से की, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सारी शॉपिंग हो गई वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि हम लोग सैटरडे को पहुँचे तो मैंने संडे को कोई शॉपिंग नहीं की, मंडे को की, सो इन पर रेट भी काफ़ी डाउन थे। सो हिल स्टेशन पे सैटरडे संडे का बहुत फ़र्क पड़ता है, सो आप कोशिश करके सैटरडे संडे में ना शॉपिंग करके उसके बाद किया करिए, तो आपको जो है वो काफ़ी रिजनेबल पड़ जाएगा। और वैसे अगर आप सिर्फ घूमने खाने पीने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप कभी भी जाइए कभी भी घूमिए, बराबर ही रहता है ऑलमोस्ट। सो दोस्तों कैसा लगा आपको सारा आइटम, इनमें से सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा मैं आपको बता रही, ये मुझे बहुत पसंद आया और ये बहुत एक्सपेंसिव था, चूँकि मैं लॉन्ग टाइम से लेना चाह रही थी,
तो उस वजह से मुझे लगा ये काफ़ी सस्ता पड़ गया मुझे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पहले से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।